सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गेमर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। YouTube guys, कैसे हो आप सभी लोग? Welcome back to another part of Last Day Rule Survival Gameplay Series. तो guys, आप सभी को पता होगा, जो जिसने भी पिछला gameplay देखा होगा उसको पता होगा कि भैया हमने इतनी मेहनत से, मतलब दिन रात मेहनत कर करके, लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के, पेड़ काट काट के, इतनी मुश्किल से अपना एक घर बनाया था, वो भी 3 मंजिल का, इतना बड़ा आलिशान घर, ताजमहल से भी बढ़िया। बट आप सोच रहे हो कि मतलब हुआ क्या? तो गाइस, वाला घर जो है पूरा टूट गया। मतलब हुआ क्या कि उस घर को ना मेंटेन करना पड़ता है और तुम्हारे भाई ने गेम खेली ही नहीं, तो वो घर पूरा चकना चूर होकर गिर गया, जिसके नीचे मैं दब गया। मैं पता नहीं कैसे मरा, मेरा सारा सामान चोरी हो गया, पता नहीं किसने चुरा लिया, और मेरे को इस जंगल में ला के फेंक दिया गया है जहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अभी हमें अपने घर को दोबारा से बनाना है। मतलब कि स्टार्टिंग में हमें कैबिनेट वगैरह मिल गया था, स्लीपिंग बैग मिल गया था, काफ़ी चीज़ें जो है फ्री में मिल गई थी, बट अब उन सबको हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा खुद ही ढूंढ ढूंढ के। तो मतलब कि अब चलेगा असली सर्वाइवल गेम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, अपना एक घर बनाते हैं, अपना एक बेसिक सा घर बनाएंगे पहले, छोटा सा, फिर आगे एक काम करेंगे। और ये एक तो मतलब कि शत्रुमुर्ग के रेप्टा ही पड़ा, तो यहाँ पर इसको मार दे। ओके, तो हमें आयरन का मिल चुका है, आयरन एक्स मिल चुके हैं, तो शायद इससे जल्दी जल्दी पेड़ कटेंगे। तो यहाँ पर पहले हम जल्दी जल्दी ना थोड़ा बहुत सामान कलेक्ट कर लेते हैं, फिलहाल ये किसी काम का नहीं है। मेन तो हमें चाहिए अभी फिलहाल वुड चाहिए, जो कि घर बनाने में काम आएगी। तो वुड मेरे पे है थोड़ा बहुत, कोई ढंग की जगह ढूंढते हैं जहाँ पर अपने घर अच्छा लगे। तो ये एकदम ओपन एरिया काफ़ी, यहाँ पर सच्ची में बहुत अच्छा लगा भाई घर। ओके, तो यहाँ पर हम पहले इस वाले पेड़ को भी कट कर देते हैं, क्योंकि ये रास्ता हमारे घर के पीछे अच्छा नहीं लगेगा। अपने घर के आसपास थोड़ा एकदम खुला रहना चाहिए। और ये तो यार इससे धीरे कट रहा है, अगर मैं आयरन वाले से काटूंगा तो तेज कटेगा, बट उसकी हेल्थ कम नहीं करनी, उसे बाद में यूज़ करेंगे। तो ओके, ये जगह हमारे लिए काफ़ी अच्छी है अपना घर बनाने के लिए। और यहाँ पर जो साइड में लोहे लगे हुए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पर अपने घर को बनाते हैं फटाफट। तो हम सबसे पहले अपना घर का बेस रेडी करेंगे। तो एकदम सेंटर में मैंने अपने घर का एक बेस लगा दिया है, एक राइट में लगा दो। ज़्यादा बड़ा घर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जितना बड़ा घर बनाओगे ना उतनी ज़्यादा तुम्हें वुड्स लगेगी उसको मेंटेन करने के लिए। तो भाई मेरे को लगा था कि घर एक ही बार बनाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। आपको घर की जो जितनी भी चीज़ आप घर में मटेरियल लगाओगे सबको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, सबकी दीवारों को दोबारा से लकड़ियाँ ला के लगानी पड़ेगी, वरना वो कच्ची होती रहेगी दिन पर दिन। तो हम यहाँ पर पहले सारा पूरा कंप्लीट करते हैं, नीचे का ग्राउंड फ्लोर पहले कंप्लीट करूँगा एंड फिर आगे काम करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऊपर कैसे जाऊँ? तो ओके, पहले एक सीढ़ी लगा देते हैं ताकि मैं ऊपर चढ़ जाऊँ। ये गेट लगा दिया मैंने और यहाँ पर एक सीढ़ी लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले हम ऊपर चढ़ते हैं फिर अपने घर को बनाते हैं। ओके, तो भैया कहाँ चली गई दीवार? हाँ, ये रही दीवार, तो ये लगा दी, ये सेट हो गई, ये सेट हो गई। पहले मैं एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर दूँ, फर्स्ट फ्लोर बाद में करेंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी मेन है हमारे घर में ताला लगाना, क्योंकि भाई अगर मैंने ताला नहीं लगाया तो सारा सामान चोरी होने में सेकंड नहीं लगेगा। भैया बहुत चोर है इस गेम के अंदर, तो वो हमें भी चोर बनना पड़ेगा। चोर नहीं बनोगे तो भैया गेम में आगे कैसे बढ़ोगे? हर गेम में चोर बनना पड़ता है भाई। तो यहाँ पर करना क्या है? ओके, तो गेट में ताला लगाने के लिए हमें ये रहा ताला, पहले फ्री में मिल गया था यार। ओके, तो हमें इसको लेने के लिए ओके फरनांस की ज़रूरत पड़ेगी बेसिकली। तो फरनांस कहाँ पर है भाई? हमारा फैसिलिटी में ही। ओके, ये रहा फरनांस। तो फरनांस के लिए, फरनांस को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी वुड चाहिए, 200 स्टोन चाहिए एंड 30 गैस कैंस चाहिए। तो वुड्स तो मिल जाएगी, स्टोन्स मिल जाएंगे, गैस कैन कैसे मिलेगा? तो पहले हम स्टोन्स को कलेक्ट कर लेते हैं, स्टोन्स सामने ही पड़ा हुआ है, ले भाई पहले फटाफट स्टोन्स कलेक्ट करेंगे हम जल्दी से, ताकि हो जाए अपना सारा काम स्टोन का। वुड्स अपने पे है, वुड्स की टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत स्टोन्स को जो है फोड़ दिया जल्दी से, अपने पास स्टोन्स का जो सारा काम है हो चुका है। तो थोड़ा वुड भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि घर भी अभी थोड़ी देर में बनाना ही है, ऐसी बात नहीं है भैया, अपना ही घर है। तो भाई साहब कितने मोटे मोटे से पेड़ है दोनों, इसको ये जो नई वाली मिली है ना इससे, ओके इससे काफ़ी तेज हेल्थ जा रहा है, नाइस। ये काफ़ी सही चीज़ हमें मिल गई है, तो इससे मतलब ओके तो ठीक है वाली, इससे काफ़ी तेज चल जा रहा है। तो गाइज हमने काफ़ी कुछ तोड़ दिया है पीछे एंड अपने पास सब कुछ लगभग हो चुका है, बट अभी हमें मेन गैस कैन का लिए चाहिए। देखो ये जो गैस कैन है ना, इसको बनाने के लिए चाहिए। सब कुछ अपने पास हो चुका है, फरनांस अब अपना बन जाएगा। फरनांस से हमें कुछ मटेरियल मिलेगा, उस मटेरियल से हम इसको बना पाएंगे लॉक को। तो ओके, गैस कैन बनाने के लिए हमें चाहिए क्लॉथ। क्लॉथ कहाँ से मिलेंगे? क्लॉथ हमें मिलेंगे नेटल्स से। ओके, उसमें लिखा था गैदरिंग नेटल्स, तो नेटल्स ये पत्तियाँ होती हैं, तो इनके पास चलते हैं। और ये बीच में स्टोन आ गया, इसको कलेक्ट कर लेते हैं, अपना घर अपग्रेड कर देंगे थोड़ा सा। तो अगर आप स्टोन्स की मतलब वॉल कर दोगे ना, तो ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद ऐसा मेरी थिंकिंग है। मैं इससे ज़्यादा गेम खेला नहीं अभी। तो कहाँ पर चला गया भैया अपनी पत्तियाँ कहाँ चली गई? ये रही नेटल्स। तो ओके, हमें थोड़ी सी नेटल्स मिल जाएगी,
कहाँ चली गई ये री। तो ओके हमने नेटल्स को जो है थोड़ा सा ले लिया, अभी 12 क्लॉथ हमें जो है नेटल्स से मिल चुका है, तो यानी कि हम 12 बना सकते हैं अभी। ठीक है, ओके 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 ठीक है। एक चाहिए और अभी हमें थोड़ा सा ना यार मीट वो चाहिए होगा, एनिमल फैट भी चाहिए, तो एक आध एनिमल को भी लपेटना पड़ेगा। और सामने और नेटल्स पड़ी हुई है, काफ़ी सही है, अपने नेटल इकट्ठा कर करके एनिमल्स को मारना अभी थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल्स को मारेंगे तभी मिलेगा। बाकी हमें 30 चाहिए भाई साहब, 30 होने चाहिए हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे ये। तो चलते हैं कोई बात नहीं पीछे की तरफ, और यहाँ पर हमने एक एनिमल को मारना है, और मेरे पीछे कोई बंदा है वो भाई। मारियो मत मारियो मत मारियो मत, बड़ा सारा सामान ले रखा है भैया मैंने, लपेट मत दियो यार ये जा रहा। ओबे देख कैसे लिया इसने मुझे, तो भाई 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 मारना मत यार। Hi there, don't shoot. इसके पास भी शायद गन नहीं है मेरे को लग रहा है। वो क्या दिक्कत आ रही है भाई, अपना काम करना। Want to go मार scavenging together? रॉक वन नाम है इसका, चले जा चले जा। चलो भाई चला गया अपना, अब मैं एनिमल को मारने आया था, एनिमल फैट चाहिए हमें। मैं एनिमल कहाँ चला गया भाई यार, इसके चक्कर में एनिमल खो गया यार, कहाँ गया रैबिट था। ओके ये रहा रैबिट तेरी, ऐसी की तैसी भाग के कैसे जा रहा है भाई, इसका खोपड़ा फोड़ दूंगा। ले भाई हेडशॉट मार दिया इसके हमने। अभी अपने पास थोड़े से और गैस कैन बन जाएंगे, तो अभी हमें ज़्यादा गैस कैन की जरूरत थी क्योंकि अपने पास बहुत सारे हो चुके। थोड़ा सा और एनिमल फैट लेकर हमें और गैस कैन बनाना है। ले भैया इस एनिमल को भी मार दिया हमने, तो अपने पास 12 और आ चुके हैं। तो गाइस अब हम बेसिकली अपना मतलब कि सिंपल से वो बना लेंगे फर्नांस। तो अभी एक सेकेंड, ये मेरे को थोड़ा सा ना बैग खाली करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा भर गया मेरा बैग। ओके बंदा कहाँ से आ गया भाई मेरे पीछे, अरे भैया ये कहाँ से आ गए तुम, मारना मारना मत, ये अलग बंदा है ये वो नहीं। ओ भाई एक और बंदा आ गया, अब कहाँ घूम रहे हो तुम। Hi there, don't shoot. पबजी थोड़ी हो रही है, टीम अप ही कर लिया यहाँ पर तो इन्होंने। ओके तो इन्होंने देख लिया कि मैं नया बंदा हूँ गेम में, और ये थोड़े से ना ओके 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 भाई ये थोड़े खतरनाक प्लेयर हैं, अभी कुछ कह नहीं रहे लोग मेरे को। नाइस, तो ओके ये अपना एक टीम बनाकर खेल रहे हैं, हम भी वैसे टीम बनाकर खेल सकते हैं, बट अभी इस गेम में मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो अगर आप गेम खेलते हो तो प्लीज़ यार अपनी आईडी कमेंट में बताना, हम भी आपको फ्रेंड में ऐड कर लेंगे। और अरे भैया जाओ यार मेरे को अपना काम करने दो, खुद के पास तो इतनी अभी फोड़ दूंगा एक आध का सिर, दिमाग मत खराब करना। वो भैया गन है, ओ भाई 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 नहीं नहीं सिर नहीं फोड़ेंगे मेरे भाई, बिल्कुल नहीं फोड़ेंगे सिर, आपका ही घर है टेंशन मत करो, आपका ही घर है, जितना मर्जी घूमो अंदर, लोग गेट खुला होगा, पासवर्ड वासवर्ड नहीं है, कुछ चाहिए हो तो बता देना भाई। तो यहाँ पर यार अब काम नहीं करने दे रहे यार मेरे को, अपना काम करना भैया, चले जाओ यहाँ से अभी एक आध के हॉकी का भाई साहब ऐसे आ रहे हैं इनके बाप का घर हो। चलो कोई नहीं गाइस, अभी हमने काफ़ी कुछ काम अपना कंप्लीट कर दिया है, अब एक फरनांस बनाना बाकी है बस। तो ओके गाइस हमने अपने फरनांस को बना लिया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई, अच्छा हुआ वो तो उन्होंने लोगों ने मेरे को मारा नहीं, अगर वो लोग मेरे को मार के लूट जाते तो भैया मैं सिर फाड़ देता पूरी गेम का, इतनी मुश्किल से मैंने सारा सामान इकट्ठा करा है। और अगर वो बड़े अच्छे लोग थे भाई, थैंक यू उन्होंने अच्छा हुआ मेरे को मारा नहीं, शायद वो भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमें फरनास मिल चुका है, एंड यहाँ पर हमें कुछ मटेरियल यूज़ करना है जिससे कि हमें कुछ और मटेरियल निकलेगा, आयरन और कहते हैं शायद उसे। तो यहाँ पर आयरन माइन थोड़ी सी हमने इसमें डाली है, जो पत्थर तोड़े थे ना आयरन वाले, तो इसको उसके अंदर डालते हैं। ये सल्फर माइन से मिला था थोड़ा बहुत हमें, इसको भी डाल देते हैं। ओके तो और क्या डालना है भैया, ओके तो ये भी मैंने थोड़ा सा एंटर कर दिया, 6 PC थे मेरे पास। ओ फ्यूल इतना ज़्यादा नहीं डालना भाई लकड़ियाँ, तो एक काम करता हूँ 500 डाल देता हूँ, इससे मिलने क्या वाला है। लेकिन वुड डाल दी हमने, और यहाँ पर मैंने फ्यूल डाल दिया, इन्होंने कहा है कि तुम्हें ओके मैंने फ्यूल ज़्यादा डाल दिया शायद, बट कोई नहीं करते हैं, मुझे पता नहीं यहाँ पर अभी क्या सीन है इसका। स्टार्ट का बटन दबा देते हैं, स्टार्ट के बटन से स्टार्ट हुआ, क्लेम के बटन से ओके तो स्टार्ट ओके 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 वर्क करना शुरू हो गया स्टार्ट के बटन से। एंड यहाँ पर मैं वुड अपना सारा डाल चुका हूँ, तो मेरे को शायद घर बनाने के लिए एक बार चेक करता हूँ, दोबारा से वुड इकट्ठी करने जाना पड़ेगा। ओके तो हमने सारा वुड उसके अंदर डाल दिया, कोई बात नहीं दोबारा से और वुड इकट्ठी करके लाते हैं। भाई साहब पेड़ बहुत है इस गेम में, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हें वुड एकदम अनलिमिटेड मिलने वाला है, वुड बहुत जल्दी जितना मर्जी वुड इकट्ठा करना चाहो कर लोगे। तो यहाँ पर अभी हमने थोड़ा सा 336 वुड तो भैया इसी पेड़ से मिल गया। और यहाँ पर एकदम ऐसे अपने प्लेयर को मूव एंड फायर करते, फायर नहीं मतलब कि मैं पबजी खेलता हूँ इसलिए थोड़ा आगे आदत पड़ गया है, तो जब मूव करते करते इस पेड़ को मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे तेज कट रहा हो, तो शायद ऐसा होता है क्या पता नहीं, जो भी है। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे ट्रीज हैं तो सबको काटते हैं, एंड जितना भी वुड मिलेगा उससे पहले अपने घर को कंप्लीट करेंगे, एंड फिर उसके अंदर पासवर्ड लगाएंगे ताकि कोई बाहर से बंदा एंटर ना हो पाए भाई।
अभी फालतू हरकत नहीं चाहिए तो ओके। और अभी मैं ना कैबिनेट तो भी मैं आपको दोनों का वर्क बताता हूँ क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अभी हमने ये नहीं करा ना, अपना घर दोबारा से गिर के टूट जाएगा और पहले की तरह हम एकदम भैया नल्ले आदमी बन जाएंगे, घर के बाहर घूमेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं तुम्हें दोनों चीज़ दिखाता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट एंड स्लीपिंग बैग। अब कैबिनेट तो हम इजीली बना लेंगे कि वो वुड से बनता है। तो कैबिनेट से क्या होता है, कैबिनेट में अगर आप थोड़ी सी वुड स्टोर कर दोगे तो वो ना आपके घर को मेंटेन करते रहेगा धीरे धीरे, जो वॉल कच्ची होगी उसे मजबूत कर देगा दोबारा से, सब कुछ को मजबूत करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, तो आपका घर गिरेगा नहीं, बस ये होता है उसमें। बस आपने क्या करना, अगर आपका घर वुड का है तो वुड लाके उसके अंदर बस डाल दो, वो अपने आप ही मेंटेन करता रहेगा। तो अभी हमें लगाना है स्लीपिंग बैग। अब मैं आपको बताता हूँ स्लीपिंग बैग क्यों जरूरी है, ये सब मैंने पढ़ा है वैसे मेरे को इतना पता नहीं है। तो स्लीपिंग बैग इसलिए जरूरी होता है कि जैसे मान लो अगर मैं कहीं बहुत दूर घूम रहा हूँ, बहुत दूर अपने घर से लाख गुना दूर हूँ और मेरे को किसी ने मार दिया, तो हम पता है ऑप्शन होता है कि हम अपने घर में दोबारा जिंदा हो सकते हैं अपने घर के अंदर। तो वो चीज़ जो है स्लीपिंग बैग अगर आप नहीं लगाओगे तो आप कहीं पर भी जिंदा हो जाओगे, फिर आपको बहुत दूर से पैदल भागते हुए आना पड़ेगा। और ये मैप इतना बड़ा है, इसके अंदर गाड़ी वाड़ी नहीं मिलती, आप पैदल भागते भागते थक जाओगे, खत्म से हो जाओगे, मर जाओगे। तो यहाँ पर हमारा जो कैबिनेट है वो बन चुका है, और हमारे स्लीपिंग बैग के लिए हमें थोड़ा सा क्लॉथ कलेक्ट करना था, वो सब मैंने पूरा कलेक्ट कर लिया है और बैग मेरा भरा पड़ा है। तो पहले चलते हैं अपने घर पे, वहाँ पर अपना कैबिनेट को भी फिट करेंगे एंड स्लीपिंग बैग को भी फिट करेंगे, तब हमारा घर जो है, उसके बाद घर भी बनाना है यार अभी तो, हाँ घर भी बनाना है, घर बना ही कहाँ है अभी। तो चलो पहले ये दोनों काम तो अपने फिनिश हो गए बहुत जल्दी। तो अपना वैसे घर कहाँ गया, अबे घर कहाँ गया भाई, मैं कहाँ खो गया हूँ इस जंगल में। अरे भैया घर कहाँ चला गया, एक सेकंड मैं थोड़ा पहले बैग वैग खाली कर लूँ क्योंकि यार ओके। तो अभी अपने पास सब कुछ कलेक्ट हो चुका है एंड मैंने अपने यहाँ पर लॉक भी हो चुका है, सब कुछ बना सकते हैं हमारे पास, सब कुछ ए टू जेड चीज़ कलेक्ट हो रखी है, लेकिन मेरा घर नहीं मिल रहा, दिक्कत की बात बस ये है। सब कुछ हो चुका है बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि घर हमारा कहाँ पर गया। तो के पीछे एक मेरे को घर दिखाया, जब मैं अपने घर बना रहा था तब मैंने इस घर को नोटिस करा था, तो मेरा घर यहीं कहीं आसपास ही। ओके ओके ओके, वो रहा सामने भैया, कहाँ चले जाता है, चलते चलते वहाँ पहुँच गया भाई, रात में लग रहा है इसे चलने की आदत है इस घर को। तो ओके पहुँचते हैं सबसे पहले फटाफट अपने घर पर। तो हम गए कहाँ से थे, आ कहाँ से रहे भैया कुछ पता नहीं चल रहा। तो अगर मैं यहाँ पर स्लीपिंग बैग लगा दूंगा तो मेरे घर भी एक मैप में मार्क लग जाएगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पर रहता हूँ, वरना तो मैं खो जाऊँगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा भैया मैं रहता कहाँ था। तो ये ना मेरा घर, तो ओके हाँ ये अपना ही घर है मतलब कहीं किसी और के घर में ना घुस जाए। तो यहाँ से हमें इसके अंदर से काफ़ी कुछ मिल चुका है, ठीक है कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले लगाना है, घर को कंप्लीट करते हैं ना सबसे पहले, कैबिनेट लगाएंगे बाद में, पहले घर को कंप्लीट करते हैं ठीक है। अब अपने दिमाग से बनाया जाएगा, देखते हैं कैसा घर बनता है अपना। एक वॉल इधर लगा देते हैं, दो रूम, एक काम करते हैं दो रूम ना ग्राउंड फ्लोर पर बना देते हैं ठीक है। ये एक इधर लगा दिया, अब इधर मैं गेट लगा देता हूँ ठीक है। ओके तो गेट लगाएंगे इधर, ये ऐसी नॉर्मल गेट लगा रहा हूँ बस ऐसे दिखावे के लिए, इसके अंदर पासवर्ड नहीं लगाऊंगा भाई, खाली पीली मेरा मटेरियल वेस्ट होगा पासवर्ड के चक्कर में। तो यहाँ पर एक सीढ़ी लगा देते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार दो फ्लोर का घर बनाऊँ ठीक है, एक यहाँ पर भी लगा देते हैं, अपनी छत बनाएंगे सबसे पहले, वरना तो भैया ऊपर बारिश का पानी सारा मुँह पर गिरेगा ठीक है। चलो ओके ओके, तो यहाँ पर अपना ये सब तो कम्प्लीट हो गया एंड उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर का काम करना है। अब ग्राउंड फ्लोर अपना पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट, ग्राउंड फ्लोर पे अब कुछ भी नहीं करना, तो अब बस हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का करना है एंड उसके बाद छत का काम करना है। इससे बड़ा घर नहीं बनाने वाला है वरना फिर मेंटेनेंस में बहुत टाइम खराब होगा। ओके तो यहाँ पर काफ़ी कुछ हमने जो है बना दिया, फर्स्ट फ्लोर पर भी पूरा कवर कर दिया है। अब ऊपर वाले फ्लोर का काम करते हैं, सीढ़ी को गलत लगा रहा हूँ मैं लग रहा है, हाँ ठीक है ऐसे लगेगी सीढ़ियाँ। ओके तो सीढ़ी भी हमारी जो है बन चुकी है, अब यहाँ पर कैसे बनाएं ठीक है। ओके तो छत भी हम कंप्लीट कर देते हैं फटाफट से, सिंपल है नॉर्मल जैसे घर बनते हैं वैसे हमने बनाया, बट ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए यार मेरे हिसाब से घर जितना, चलो कोई नहीं बाद में चेंज कर देंगे अगर अच्छा नहीं हुआ तो। तो गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो घर मैंने बनाया है ये कैसा है ठीक है। बाकी तो मैंने अपने हिसाब से बना दिया जैसा मुझे बेस्ट लगा, बाकी हम यहाँ पर जल्दी से बाउंड्री फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, बाकी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे को छत पर आना ही नहीं है पहली बात। तो यहाँ पर भी एक गेट लगा देते हैं और नीचे चलते हैं, अभी अपना घर पूरा क्लोज हो चुका है। ओके नहीं यार ऊपर का तो रहेगा भैया, ऊपर से कोई भी छलांग मार के आ जाएगा, एक सेकेंड ऊपर का तो हाँ ये देखो ऊपर खुला है ना, सीधा फर्स्ट फ्लोर के अंदर घुस जाएगा वो।
तो ओके यार, हमने ऊपर से भी अपने घर को यहाँ पर बंद करना है, तो ठीक है लो लो भैया। अभी जो है अपना घर जो है पूरा बंद हो चुका है, लेकिन अपने घर में कोई भी बंदा जो है चोरी करने के लिए घुस सकता है। कैसे? क्योंकि ताले नहीं लगे हैं ना, मतलब लॉक लगा ही नहीं है, तो भी पासवर्ड भी लगाना है। बट मैं फर्स्ट फ्लोर का काम भी कंप्लीट कर दूँ, किराएदारों का कमरा बना दूंगा यहाँ पर। मजाक कर रहा हूँ, इसमें हमें ही रहना है, किराएदार इसमें नहीं होते। हो सकते हैं बट पता नहीं ऐसा कोई सिस्टम होगा कि नहीं, बट ये बहुत ही सही गेम है। तो यहाँ पर हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब एक काम करते हैं, कैबिनेट रखते हैं और बैग रखते हैं, ताकि हम कहीं भी मरे तो अब बैग रख दूंगा, तो मैं कहीं पर भी मरूँ यहीं जिंदा हूँगा। और यहाँ कैबिनेट रखते हैं, तो दो चीज़ों में लॉक लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कैबिनेट में भी लॉक लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर इसमें रिपेयर का आ रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर फटाफट से हमें लॉक मिल चुका है एक। तो इस लॉक को पहले ले जाकर लगाते हैं नीचे वाले गेट में। अभी बाकी लॉक अभी हमारे बन रहे हैं फर्नांस में, और जो वो जैसी मतलब कि स्टोन्स जो भी हैं ये बन जाएंगे, उसको फिर हम ले जाएंगे। मतलब ये जो स्टोन्स नहीं है, आयरन का कुछ है, तो इससे हमें लॉक मिलता है। अब उस लॉक को आप जहाँ मर्जी लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले सब कुछ अपना स्टोर कर देते हैं इसके अंदर, और ये वर्किंग करने लग गया। अब हमारा घर जो है मेंटेन करता रहेगा, जो भी वॉल कच्ची होगी उसे मेंटेन कर देगा, ये वुड्स का यूज़ करके या फिर स्टोन्स का यूज़ करके, जो भी चीज़ से हमने घर बनाया है। तो यहाँ से हमें और भी कुछ मिल चुका है, तो एक और लॉक बन जाएगा इससे। ओके, तो यहाँ पर हमने एक और लॉक बना लिया है, तो अब जो हमारा घर लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है भाई, तो हम बाहर वाले गेट में पहले ना ताला लगा देते हैं, अब ताकि कोई अपने घर के अंदर ना घुस पाए। अब लेकिन एक सीक्रेट है, कोई भी बंदा हमारे घर में ऊपर से आ सकता है, क्योंकि छत वाले गेट में ताला नहीं लगा। अभी ताला बन रहा है, बट मैं कल तक उसमें हर जगह ताला लगा दूंगा, कल तक तो ए टू जेड जगह ताला लग जाएगा कल तक, बट अभी नहीं लगाया। उसमें कोई भी हमारे घर के अंदर एंटर हो सकता है और सब कुछ चोरी करके जा सकता है, जितना भी हमारा सामान है। और अगर उसने एक बारी कैबिनेट से सामान चुरा लिया, तो हमारा घर तो भैया टूट के गिर जाएगा। तो ठीक है गाइस, अभी ये फाइनली हमारा घर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको एक बारी अपना हाउस टूर दिखा देता हूँ। तो ठीक है, ये है हमारा गेट जिसके अंदर हमने पासवर्ड लगा रखा है, राइट वाले में। एक सेकंड, मैं आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर तो दिखाया ही नहीं, एक सेकंड। ये है एक रूम जिसके अंदर है फरनांस, ये रूम अभी खाली है, इसके अंदर कुछ ना कुछ रखेंगे अभी कल तक लाके। और एक रूम राइट में है जो भी खाली पड़ा है, ये लेफ्ट में मेन रूम है जहाँ पर हमें सोना है, और ये हमारा मेन कैबिनेट, तो भी इन सब में पासवर्ड लगाना है। तो वो सब हम अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के वाला जो गेम प्ले वीडियो है जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को जाकर लाइक जरूर करना, एम करते हैं 5000 लाइक के लिए। तो अगर आप जल्दी से 5000 लाइक्स कंप्लीट करते हो, तो आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला, पार्ट 3, और उसके अंदर अपनी गेम को और ज़्यादा कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, और ज़्यादा वर्क करेंगे, और वीडियो एकदम अमेजिंग होने वाला है। तो जल्दी से अगर लाइक कर दो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले देखने आ जाओ। तो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।